आज हम लोग बनाएंगे चीरे का मालपुआ। आप लोगों को तो पता ही है चीरे क्या होता है, और मतलब चीरे ऐसे ही आपको ग्रॉसरी दुकान में मिल जाएगा। तो उसको हम लोग भिगो के रखे थे पानी से, और फिर उसके अंदर हम लोग ने दूध डाल दिया है। ये बहुत ही अलग किस्म का मालपुआ होगा, तो आप देखते रहिए। और फिर इसके अंदर स्वाद अनुसार शक्कर, और हमने पिछले दिन में सूजी बनाया था, मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं हलवा, तो वो हलवा भी इसके अंदर डाल दिए हैं। तो ये सब डालने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने भी काजू किशमिश ये सब ड्राई फ्रूट्स हमारे पास था, तो वो हम लोग ने डाल दिया है। तो फिर ये सब डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके साथ हम लोग मोड़ी भी ऐड किए थे, क्योंकि मोड़ी का आपको पता ही है कि स्मेल एंड फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो हमने इसके अंदर मोड़ी भी मिला लिया। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है एकदम अच्छे से। फिर इसके अंदर थोड़ा सा मैदा डालना है, क्योंकि मालपुआ हम लोग तेल के अंदर तलेंगे तो मैदा तो चाहिए ही होगा, तो मैदा भी डाल लिया। और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसको ऐसे ही गोल गोल पार्टीशन करके इसके अंदर हम लोग ने चॉको चिप्स डाला है। आप चाहे तो और कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये जो प्रोसेस है ये ऑप्शनल है। तो फिर एक पैन के अंदर हम लोग ने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, ले लिया है, क्योंकि तलेंगे तो रिफाइंड ऑयल का ही ज़रूरत होगा। और इस तरफ हमारा जो मालपुआ का मिक्सचर है, देखिए एकदम पूरा रेडी है। हम लोग ने एकदम सेट करके रख दिया है, देखिए मतलब ऐसे करके आप लोग को कवर कर देना है, तो एकदम गोल टाइप का हो जाएगा। फिर इसको हम लोग तेल के अंदर देकर तलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोग ने ऐसा रेसिपी पहले नहीं देखा होगा, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी एंड हेल्दी भी है, तो क्योंकि ये चीरे से बना है, ज़्यादा मैदा नहीं डाला है। तो अगर चीरे अगर आपका बच जाता है, या फिर आप बनाना चाहते हैं ऐसा, तो आप बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर इसको आप लोग मिठाई के तरह खा सकते हैं, जैसे कि मतलब शक्कर पानी जो होता है वो बनाकर उसके अंदर भी डाल सकते हैं, तो वो आप लोग आपके अंदाज के अनुसार कर सकते हैं। तो इसको तल लेने के बाद हम लोग उठा लेंगे, और तैयार है हमारा मालपुआ का रेसिपी। तो रेसिपी अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ।